बाइक जैसी फील देने की इसके अंदर कोशिश करिए। इसके अंदर तीन कलर ऑप्शन आते हैं। अभी मस्ती चीज दे रखी है, नॉर्मली ये ओपन नहीं होता। यहाँ पे पूरा एक ब्लैक कलर का सेक्शन दिया हुआ है, एलईडी सेटअप दिए हुए फ्रंट में और रियर में। इसकी बैटरी को दोबारा से रिवर्स चार्ज करते हैं। इंटरेस्टिंग सी वीडियो जो है पैनली लाइक एम के ऊपर। अगर आप एक नॉन पॉल्यूटेड व्हीकल और आरटीओ फ्री व्हीकल प्लान कर रहे हैं या फिर अगर ये आप यही वाला पर्टिकुलर व्हीकल प्लान कर रहे हैं तो आपकी वीडियो काफी काम आने वाली है, क्योंकि कंपनी ने हमारी स्कूटी को काफी प्लान करके और इंडियन सड़कों के हिसाब से काफी अच्छे से इसको डिजाइन करा है। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको इसी वाली स्कूटी के बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या फीचर है और कितनी चलती है और इसके अंदर कंपनी ने कौन सी बैटरी प्रोवाइड करवाई है और इसका क्या प्राइस रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, इस वाली स्कूटी को करते हैं एक्सप्लोर और वीडियो करते शुरू। तो दोस्तों मेरी फ्रेंड से कुछ पैनलिंग आइकॉन रेड कलर की गाड़ी से लगती हुई है। पहले इसका एक छोटा सा वॉक अराउंड करते हैं, फिर इसकी डीप स्पेक्स देखेंगे। और इस वाली साइड से कुछ ऐसी दिखती है और रियर से कुछ इसकी ऐसी प्रोफाइल काफी प्यारी सी लग रही है। और इस वाली साइड से कुछ ऐसी दिख रही है। तो दोस्तों अब करते हैं इसकी फ्रंट से बात। फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती रही है। अगर इसके इस वाले पोर्शन की बात करें तो बाइक जैसी फील देने की इसके अंदर कोशिश करिए। यहाँ पे दे रखे हैं इसके एलईडी इंडिकेटर और यहीं से थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं पैनलिंग की वेजिंग और ये मैट ब्लैक कलर का यहाँ पे छोटा सा सेक्शन दिया है जो इसको काफी अच्छा लुक दे रहा है। और यहाँ पे ये इसका रेड कलर। अगर इसके कलर ऑप्शंस की बात करें तो इसके अंदर तीन कलर ऑप्शन आते हैं, एक रेड कलर, एक व्हाइट कलर और एक ब्लैक कलर का। ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। यहीं से थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो ये इसकी हेडलाइट, यहाँ पे आपको DRLs मिलती है राउंड शेप में। यहाँ पे प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। यहीं से थोड़ा सा और नीचे आते तो यहाँ पे इसका मडगार्ड। इसकी फाइबर की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे एक छोटा सा वेंट दे रखा है और यहाँ पे आपको मिलती है एक छोटी सी पैनलिंग की वेजिंग कुछ ऐसी। और कंपनी ने काफ़ी अच्छे इसके एजेस मैच करे हुए हैं। इस वाली साइड से ये देखो, कोई आपको फालतू का गैप इसके अंदर नहीं दिखेंगे। और वहीं अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm के आपको इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। और बाकी इसके इस वाली साइड के भी एजेस देखो कितने अच्छे से सेटल हो रखे हैं। और यहाँ पे ये देखो, कोई भी आपको फालतू के गैप्स इसकी प्लास्टिक में नहीं मिलेंगे। और वहीं अगर इसके रियर फुटरेस्ट की बात करें तो काफ़ी मस्ती चीज़ दे रखी है। नॉर्मली ये ओपन नहीं होते, आपको यहाँ से ऐसे प्रेस करके खोलने पड़ेंगे और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। नॉर्मली कई बार फालतू में खुल जाते हैं। वहीं अगर इसके रियर प्रोफाइल की बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आपको आइकन की वेजिंग दिख जाती है, यहाँ पे स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे पैनलिंग की वेजिंग मिल जाती है। काफ़ी अच्छा ये लग रहा है। और यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आते तो यहाँ पे दे रखा है रियर गार्ड जो इसकी हब मोटर और इसकी वायरिंग को गार्ड करता है। और यहाँ पे दे रखा है इसका शॉकर, इसकी बात अभी बाद में करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा और पीछे आते तो यहाँ पे दे रखा है ग्रैब हैंडल ब्लैक कलर का जो काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है। यहीं से थोड़ा सा और नीचे आते तो यहाँ पे दे रखा है इसका रिफ्लेक्टर जो साइड में से रिफ्लेक्ट करता है, आपको गार्ड करता है, आपकी सिक्योरिटी इससे बढ़ती है। यहीं से थोड़ा सा और पीछे आते तो ये इसकी कुछ ऐसी रियर प्रोफाइल। यहाँ पे पूरा एक ब्लैक कलर का सेक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर LED सेटअप आता है। इस स्कूटी के अंदर कम्प्लीटली LED सेटअप दिए हुए हैं फ्रंट में और रियर में। यहाँ पे काफ़ी स्पोर्टी से इसके इंडिकेटर दे रखे हैं। यहाँ पे ये इसकी टेल लैंप। यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आते तो यहाँ पे दे रखी है पैनलिंग की ग्रीन प्लेट, बट आपको इसके अंदर RTO अप्रूवल नहीं करवाना पड़ेगा। वो क्यों मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। इस वाली साइड में दे रखा है इसका रिफ्लेक्टर। और प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। और मैंने जैसा भी आपको दिखाया था, इसके एजेस काफ़ी अच्छे सेटल हो रखे हैं, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं से ओवर है। और यहाँ से अगर इस वाली साइड की बात करें तो कुछ ये ऐसी दिखती है इस वाली साइड से। और यहाँ पे दे रखा है फुट रेस्ट सिल्वर कलर का। यहाँ पे इसका कुछ इस तरीके का स्टैंड। और यहाँ पे ये दे रखा है इसका साइड स्टैंड जो काफी सॉफ्ट है। अगर मैं इसको दिखाऊं तो देखो कितना सॉफ्ट है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो दोस्तों अब करते हैं पैनलिंग आइकन के साइड प्रोफाइल की बात। तो फ्रंट में दे रखा है इसके अंदर एलॉय 10 इंचेस का। इसके अंदर C8 के ट्यूबलेस टायर आते हैं। और वहीं अगर इसकी ब्रेक की बात करी है तो कंपनी ने इसके अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक प्रोवाइड करवाई है। और यहाँ पे ब्रेक के साथ साथ रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया हुआ है जो इसकी बैटरी को दोबारा से रिवर्स चार्ज करता है। जब आप इसकी राइड करते हैं देन जब आप ब्रेक करते हैं इस स्कूटी को तो जितनी पावर आपकी बैटरी ने कंज्यूम करी होती है तो वो आपको वापस मिल जाती है। उसको शॉर्ट फॉर्म में RBS कहते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर इस ब्रेक के साथ यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड करवाया इस स्कूटी के अंदर। और अगर इस डिस्क ब्रेक का मैं आपको पंप दिखाऊं यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा सा दे रखा है। कुछ ऐसा ट्रांसपेरेंट यहाँ पे पंप दिया हुआ है डिस्क ब्रेक का जिसमें आपको ऑयलिंग वगैरह अलग से दिख जाती है और काफ़ी अच्छा ही लग भी रहा है यहाँ पे। और वहीं अगर इसके फ्रंट शॉकर की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। पैनलिंग के यहाँ पे वेजिंग हो रखी है। इनसे अगर इसके रियर प्रोफाइल की बात करें
तो रियर में दे रखे हैं यहाँ पे BLDC हम मोटर 250 वॉट्स की, जो आपको 25 किलोमीटर पर आर की स्पीड प्रोवाइड करवाती है। और 10 इंचेस का इसके अंदर आपको सीएट का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। वहीं अगर इसके सस्पेंशन की बात करें तो रियर में भी इसके अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है विद ब्लैक स्प्रिंग कॉइल के साथ। वहीं अगर इसकी रियर ब्रेक की बात करें तो यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। फ्रंट में इसके अंदर डिस्क ब्रेक आते हैं, रियर में इसके अंदर ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे दे रखी है इसकी रियर सीट, और रियर सीट की कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है। सो अभी इसकी बूट को करते हैं ओपन। ऐसी कुछ इसकी की आती है, इसको करते हैं यहाँ पे इंसर्ट इस वाली साइड में कुछ ऐसे, और देन इसको यहाँ पे बस नॉर्मली पीछे की साइड में घुमाना है विदाउट पुश करें, और इसका बूट ओपन हो जाता है कुछ ऐसे। सो ये इसका बूट में स्पेस दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको सामान मिल जाता है। चार्जर इसके अंदर अभी रखा नहीं है। यहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन लाइट मिलती है, जो रात में आपको काफ़ी अच्छी सहूलियत प्रोवाइड करवा देती है। मतलब अंधेरे में आपको इसके अंदर सामान रखने में निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं अगर इसकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पे से इसको खोल के आप इसकी बैटरी निकाल के घर पे चार्ज कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कंपनी ने इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी प्रोवाइड करवाई है, जो आपको 70-75 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करवाती है। और वहीं इसकी चार्जिंग टाइम की बात करें तो 4 आवर्स में कंप्लीट चार्ज हो जाती है। और अगर आप किसी फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो आप इसकी बैटरी को यहाँ से नॉर्मली निकाल के घर पे ले जाके चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ये सॉकेट दे रखा है, ऐसे इसको प्रेस करना है और ये बैटरी निकल जाएगी। और काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी हल्की है बैटरी। अभी इसके अंदर यहाँ पे रबड़ नहीं लगी हुई जिससे रुकती है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो काफ़ी हल्की और काफ़ी छोटी सी बैटरी है इसकी, तो नॉर्मली आप इसको घर पे ले जाके चार्ज कर सकते हैं। सो अभी इसको कर देते हैं बंद। तेरे पास कोई और रास्ता है? तो दोस्तों अब करते हैं इसके इस वाले सेक्शन की बात। यहाँ पे आपको इसका हाई बीम लो बीम का स्विच मिलता है कुछ ऐसे। यहाँ पे इसका इंडिकेटर का स्विच दे रखा है कुछ प्रेस पुश बटन के साथ। यहाँ पे दे रखा है हॉर्न बटन, और यहाँ पे ये आर का स्विच। इस वाली साइड में अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो स्कूटी रिवर्स होती है, इसको पार्क असिस्ट कहते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। अगर आपकी स्कूटी कहीं पे पार्क है और आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन काफी अच्छा इसके अंदर दे रखा है। और ये इसका कुछ ऐसा हैंडल बार। यहाँ पे आपको इसका स्पीडोमीटर मिलता है, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले इस वाले सेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको हजार्ड लैंप का स्विच मिलता है कुछ ये ऐसे वर्क करता है। ऐसा स्विच आपको रॉयल इनफील्ड की मिट्योर के अंदर मिलता है, तो काफ़ी अच्छा ये लग रहा है, काफ़ी अच्छी इसकी बटन्स की क्वालिटी है। यहाँ पे आपको हेडलैम्प के स्विच मिलते हैं, यहाँ पे ये ऑफ, ये फिर इसका DRL का, और यहाँ पे आपकी हेडलाइट ऑन हो जाती है। ये 3-way स्विच इसके अंदर आपको मिलता है, और यहाँ पे मिलता है आपको इमरजेंसी बटन। ये नॉर्मली एक्टिवेट नहीं होता है, लेकिन जब आपकी स्कूटी के अंदर कोई फॉल्ट हो जाता है, अगर आपकी स्कूटी इस वाले एक्सीलेटर से वर्क नहीं कर रही है, तो आप इसको प्रेस करके स्कूटी को अपने घर ले जा सकते हैं, आप इसके सर्विस सेंटर पे छोड़ सकते हैं। तो ये भी ठीक है। तो दोस्तों अब कर तक इसकी स्मार्ट की बात। स्मार्ट की इसके अंदर ये ऐसी आती है, और ऐसी कुछ इसकी कंपनी की इसके अंदर प्रोवाइड करवाती है। पहले इसको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पे कंपनी ने इल्यूमिनेशन लाइट प्रोवाइड करवाई है, जो रात में आपको काफ़ी सहूलियत दे देती है। सो इसको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, और ऐसे करते हैं इसको ऑन। के अंदर मिलता है आपको LED स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपकी स्पीड शो होती है, यहाँ पे किलोमीटर शो हो जाते हैं, यहाँ पे रेडी लिखा रहा है, मतलब अभी आप इसको राइड कर सकते हैं। और यहाँ पे मिलती है आपको इसकी बैटरी की इंडिकेशन कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज है। और इसके अंदर मोड्स दे रखे हैं, यहाँ भी सेकंड मोड पे आप इसके मोड्स चेंज कर सकते हैं। इस वाले बटन से इसको ऐसे प्रेस करेंगे सो इसका मोड चेंज होगा। अभी ये थर्ड मोड पे आ गई है, फिर ये यहाँ पे फोर्थ मोड पे, और अभी ये यहाँ पे फर्स्ट मोड पे। तो ऐसे कुछ इसके मोड्स चेंज हो जाते हैं। सो फीचर वाइज क्वालिटी वाइज मुझे बिल्कुल भी इसके अंदर कमी नहीं लग रही। और अगर वहीं इसकी यूटिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है हुक, आप अपना सामान यहाँ पे लटका सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे छोटा सा स्पेस दे रखा है, आप अपना सामान रख सकते हैं। वैसे नॉर्मली यहाँ पे आपका मोबाइल रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है USB चार्जिंग सॉकेट कुछ ऐसा। आप अपनी USB इसमें लगा के अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो, और मोबाइल आप अपना यहाँ पे रख सकते हैं, आप अपनी पानी की बॉटल रख सकते हैं अगर आप यहाँ पे चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर पैनलिंग ने इसके अंदर प्रोवाइड करवाया है। तो दोस्तों ऐसी है कुछ पैनलिंग आइकन। तो दोस्तों एक ही पूरी वीडियो इस पैनलिंग आइकन रेड कलर के ऊपर। ऐसे कलर ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर 3 कलर ऑप्शन आते हैं, एक ये रेड, एक व्हाइट एंड ब्लैक। इसके अंदर कंपनी ने काफी अच्छे अच्छे फीचर्स भी दे रखे हैं, जैसे RBS रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, और एंटी थेफ्ट का भी इसके अंदर फीचर आता है। तो मोबाइल चार्जिंग का भी सॉकेट इसके अंदर दे रखा है, आप अपना मोबाइल भी इसके अंदर चार्ज कर सकते हो। और इसके अंदर हैजार्ड लैंप का ऑप्शन भी दे रखा है। फीचर में तो इसके अंदर कोई कमी नहीं है। भैया इसकी बैटरी की बात करी जाए तो इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी आती है, और लेड एसिड बैटरी आती है। दोनों के प्राइसेस भी अलग है। भैया इन दोनों बैटरियों के साथ जो ये व्हीकल आता है उसके प्राइस की बात करें तो लिथियम आयन बैटरी के साथ ये वाली स्कूटी 73,500 की आती है। अगर लेड एसिड बैटरी की स्कूटी की बात करें तो वो आते 62,400 की। वहीं इसकी रेंज की बात करें तो रेंज भी दोनों ही बैटरी काफी अच्छी देती है, 70-75 किलोमीटर तक ये चली जाती है। तो रेंज वाइज स्कूटी की, प्लास्टिक वाइज और बॉडी वाइज, तो मुझे इस स्कूटी में कोई कमी नहीं लगी। आपको ये वाली स्कूटी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।